क्वेश्चन इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस क्वेश्चन पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व नहीं हो सकता है और ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट उसमें भी इसमें ये वाले फॉर्म यूज होंगे इंटीग्रेशन कि ई टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ये होता है ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। तो पहले इसको ये जो पार्ट है अलजेब्रिक वाले इसको टू टर्म में चेंज करते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ इस एक्स को हम लिख सकते हैं ये वन प्लस एक्स और ये माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और फिर इस फ्रैक्शन को स्प्लिट करेंगे तो ये होगा वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ये पार्ट इससे कैंसिल हो रहा है। सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इस वन अपॉन वन प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं, वन अपॉन वन प्लस एक्स। सो डिफ्रेंशिएशन अब इस वाले डिनोमीटर को अगर हम नोमीटर में लाएंगे तो ये पावर माइनस वन होगा और इसमें एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन माइनस वन। सो माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस टू। सो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो हम इसको डिफ्रेंशिएशन करने से ये वाला पार्ट आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इस रूल के अकॉर्डिंग ई टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स। बट हम इसको शो करके दिखाएंगे कि कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस ई टू द पावर एक्स को बोथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ई टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। और डिफ्रेंशिएट हमने इस फर्स्ट वाले टर्म को करने से सेकंड आ रहा है। तो फर्स्ट वाला पार्ट में फर्स्ट वाला टर्म में बाय पार्ट्स यूज होगा और बाय पार्ट में हमें पहले ये इन दोनों फंक्शन में पहले ये देखना होगा कि किसे चूज करें कि उसे डिफ्रेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट करना है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम इसको ये एलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा। तो हम फर्स्ट वाले टर्म में इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं तो ये होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स टी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। सो इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है और अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे सॉरी डिफ्रेंशिएट तो डिफ्रेंशिएट करने से हमारा आया था ये माइनस वन अपॉन दिस। तो इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। सो
So our answer is e to the power x upon 1 plus x plus c. Answer.